हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक आईटी सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा। 50% ये जो कंपनी है भाई, वो डिस्काउंट में रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने 1:1 के रेशियो से बोनस दिया है भाई, जिसकी वजह से स्टॉक आधा हो गया है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा बनाइए, क्वालिटी कंपनी है। इस कंपनी में आप लोग मंथली बेस आईपी कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। 3 बार ये कंपनी भाई अब तक बोनस दे चुकी है और 1 बार अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर चुकी है। तो आप लोग पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। आप लोग का भाई पैसा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो बेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, उनके प्रोडक्ट अच्छे, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 10,639 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 14,895 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। हाफ ईयरली 10,639 से 14,895 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में टोटल इनकम था वो 11,000 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 15,197 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 4,411 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 5,699 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाफ ईयरली 4,411 से 5,699 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो एबिटा था वो 4,772 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 6,001 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कमी होगा, कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फर्दर भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 3,552 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 4,025 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है। हाफ ईयरली 3,552 से 4,025 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो पैट था वो 3,552 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 4,025 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ ईयर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ। पहले आप हाफ ईयर रिजल्ट देख रहे थे भाई, तो देखो नेट सेल्स जून 15 में था वो 17,153.44 था जून 15 में, और जून 19 में देख लो 26,012 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 17,153 से 26,012 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। जून 15 में टोटल इनकम था वो 18,352.94 था जून 15 में, और मार्च 19 में देख लो 26,817 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार ईयर टू ईयर वाइज। जून 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 6,859.60 था जून 15 में, और मार्च 19 में देख लो
10,418 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टीयर वाइज 6,859 से 10,418 हो चुका है। एविटा देख लो भाई, एविटा भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। जून 15 में जो एविटा था वो 8,059.10 था जून 15 में, और मार्च 19 में देख लो 11,223 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एविटा ईयर टीयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख हो फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये लार्ज कैप कंपनी है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर में इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। जून 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 6,345.95 था जून 15 में, और मार्च 19 में देख लो 8,125। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टीयर वाइज 6,345 से 8,185 हो चुका है। रिपोर्टेड पैड देख लो भाई, रिपोर्टेड पैड भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। जून 15 में जो रिपोर्टेड पैड था वो 6,345 था जून 15 में, और मार्च 19 में देख लो 8,185 हो चुका है। तो भैया ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैड भी। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। जून 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 45.14 था जून 15 में, और मार्च 19 में देख लो 60.35 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टीयर वाइज 45 से 60 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाएं, क्वालिटी कंपनी है भाई, अच्छा खासा ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो खरीद के रख लीजिए। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। एनुअली ये कंपनी आपको आराम से 25 से 35% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है। SCL टेक्नोलॉजी का और मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। IT सेक्टर की कंपनी है भाई, धाकड़ कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से इसका भाई प्राइस जो है वो आधा हो गया है, 1:1 का रेशियो से बोनस दिया गया है जिसकी वजह से इसका प्राइस आधा हो गया। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, तो पैसा लगा के छोड़ दीजिए। SCL टेक्नोलॉजी को कौन कौन से इंडस्ट्री से भाई ऑर्डर मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में गया तो यहाँ पे देख सकते हो एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस, ऑयल एंड गैस, रिटेल, और भी कई सारी इंडस्ट्री से भाई इनको ऑर्डर मिलती है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, आप लोग को पता है ही टेक्नोलॉजी के बिना भाई आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो ये कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बनेगा ही। आप लोग चाहो तो TCN से पैसा लगा सकते हो, बढ़िया कंपनी में पैसा लगाइएगा तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही। SCL टेक्नोलॉजी का मैं आपको बोनस हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोनस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी भाई 3 बार बोनस दे चुकी है। एक्स बोनस डेट यहाँ पे देख सकते हो 5/12/2019। स्प्लिट हिस्ट्री मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर चुकी है। तो बढ़िया कंपनी है, खरीद के रख लीजिए। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कांटेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है। शायद अभी रिटर्न अपडेट नहीं होगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न भाई 231% ही शो कर रहा है। तो अपडेट नहीं हो पाया ठीक से इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो -51। किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप खुद से भी देख सकते हैं, कल तक अपडेट हो जाना चाहिए। SCL टेक्नोलॉजी का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 60% का होल्डिंग है, FIs के पास जो होल्डिंग है SCL टेक्नोलॉजी में 27.96% होल्डिंग है,
आने वाले समय में इस कंपनी में FIIs की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है एस सी एल टेक्नोलॉजी में 5.82% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है एस सी एल टेक्नोलॉजी में 2.72% होल्डिंग है। अदर डीए पर जो होल्डिंग है एस सी एल टेक्नोलॉजी में 0.10% होल्डिंग है। नॉन इंश्योर इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है एस सी एल टेक्नोलॉजी में 3.40% होल्डिंग है। कोई भी शेयर एस सी एल टेक्नोलॉजी का प्लेस दे भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है एस सी एल टेक्नोलॉजी में 2.2% होल्डिंग है। वर्जन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एस सी एल टेक्नोलॉजी का। पी रेशियो एस सी एल टेक्नोलॉजी का वो 15.13 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू एस सी एल टेक्नोलॉजी का वो 3.34 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई, 0.71% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी रेट देख लो, बहुत ही बढ़िया है एस सी एल टेक्नोलॉजी का, 26.70% का आरओसी रेट है। आरओई देख लो, 22.10% का। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई, अट्रैक्टिव बता रहा है। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ एस सी एल टेक्नोलॉजी का, एक्सलेंट है। सेल्स ग्रो देख लो 5 ईयर का, बहुत ही बढ़िया है, 14.27% का है। एबिट ग्रोथ देख लो 10.09% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए, बढ़िया कंपनी है भाई, क्वालिटी कंपनी है। यहाँ भी मैं रिटर्न देख ले रहा हूँ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो भैया यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न अपडेट नहीं हुआ है। एस सी एल टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है भाई, दिग्गज कंपनी है। आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का भी होगा, 3 लाख करोड़ का भी होगा, 4 लाख करोड़ का भी होगा, 5 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा के रखिए, ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 25 से 30% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है। एस सी एल टेक्नोलॉजी का पी जो है वो 9.47 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 24.01 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले एस सी एल टेक्नोलॉजी का पी बहुत ही कम है। बुक वैल्यू जो है एस सी एल टेक्नोलॉजी का वो 224.34 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो, बहुत ही बढ़िया है भाई इसका अर्निंग पर शेयर, 59.48 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, ये भी बहुत ही बढ़िया है, 1.42% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 2 का है। तो आप लोग एस सी एल टेक्नोलॉजी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, बढ़िया कंपनी है। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो में एस सी एल टेक्नोलॉजी का शेयर होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में आपका कैपिटल सेफ रहेगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन भेजना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।